रोज सुबह 5 बजे मैं स्लीपिंग बैग पैक करता रह जाता हूँ और सरबाज पूरा टेंट पैक करने लगता है। व्हाट अ व्यू दो। आज कनकोडिया तक ट्रैक का आखिरी दिन है और हमने 12 किलोमीटर चलना है। कनकोडिया इज कंसिडर्ड द बेस्ट व्यू पॉइंट टू लुक एट K2। सारी रात बर्फबारी हुई है और आज का ट्रैक भी लगता है इसी मौसम में होगा। यह है मित्र पीक, बालतोरो की सबसे खूबसूरत चोटियों में से एक, और कनकोडिया इसके बिल्कुल साथ है। नॉट लॉन्ग लेफ्ट नाउ। ये देखें, मैं बताता हूँ, ये नज़र आ रही है आपको सामने, ये रिज, ये लाइन जो जा रही है, ये टेढ़ी, हाँ हाँ ये टेढ़ी, उसके पीछे एक पहाड़ है। अच्छा। अभी बादलों के अंदर ब्रॉड पीक है। अच्छा। और ये इस पहाड़ और उस पहाड़ के बीच में जो है ना, इस तरफ को एक वैली है। अच्छा। उसके बीच में K2 है। ये वाला पहाड़ और वो वाला पहाड़, वो कॉर्नर और ये वाला। द फर्स्ट ग्लिम्स, द किंग इन द नॉर्थ, चोगोरी। Let's just take this in for a bit. मीटर की बुलंदी के साथ K2 दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है और शायद सबसे खतरनाक भी। देर इज अ डेथ फॉर एवरी 4th समिट ऑन द सैवेज माउंटेन। तारीख के सबसे काबिल को पैमाओं के लिए भी K2 एक इंतहाई मुश्किल पहाड़ साबित हुआ। एंड बिफोर जनवरी इट रिमेन द लास्ट 8,000 इन द वर्ल्ड विदाउट अ विंटर समिट। लेकिन इतना चल के K2 को मीलों दूर से देखने नहीं आया। टुमारो टू रेस्ट and take in the sights of Concordia. Parso hum base camp jayenge. Aaje sab naashte ke liye aaje. Waise mausam kafi saaf hai. Good time to clean up and climb. मौसम बदल रहा है, आप रज़ अंडोज दबाल तो रहो। उनको नहीं लगता इस मौसम में गंद गुरु पास के लिए रस्सी लग सकती है। बट आई एम होपिंग इट विल बी बेटर टुमारो। स्पोक टू सून। सरबाज ने कॉल करके बताया कि आगे भी मौसम ख़राब है। Team has decided to stay put. I don't know what to do. Lekin shukar hai Akbar aa gaya. Akbar ka taluk Hoshe se hai aur ye saath ka ek purana dost hai. He is also a very strong climber. Pichle kuch saalon mein isne apni pehli 8000 meter peak ki aur is saal ek foreign team ke saath Broad Peak expedition pe ja raha hai. He is offered to guide us to the base camp. लेकिन हमारी पूरी टीम में से सिर्फ 4 लोग इस मौसम में निकले
उनमें से तीन कोपेमा हैं और एक मैं हूँ। Looks like the storm is picking up. ब्रॉड पीक के साए में एक एक्सपेडिशन के सामान की तरपाल में 2 घंटे इस तूफान के गुजरने का हमने इंतजार किया। We had no down jackets and no sleeping bags. But we had Akbar. हम शाम को K2 बेस कैंप पहुंच गए with no sleeping bags or gear. खुशकिस्मती से समीना बेग की टीम ने K2 एक्सपेडिशन के लिए कैंप सेटअप किया हुआ था एंड दे प्रोवाइडेड अस शेल्टर फॉर द नाइट। इट स्टार्टेड स्नोइंग एट नाइट अगेन। प्लीज कल मौसम साफ हो जाए। उठ जाओ ना अब। क्या तुमने याश माहौल बनाया है? छुट्टी आज में। शिमशाल की टीम रोप फिक्सिंग के लिए तैयार हो रही है। अ मैसिव थैंक यू टू ऑल ऑफ देम फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ ये है, फाइनली द किंग रिवील्स इटसेल्फ अगेन। आई कांट एक्सप्लेन व्हाट इट्स लाइक टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस माउंटेन आफ्टर वेटिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। और पता नहीं चोटी पर खड़ा होकर कैसा लगता होगा। यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया ये पहाड़ ही है। द अब्रूजीज पर, the chosen route, the polish line and the magic line, each route deadlier than the other. aur phir bhi har saal log puri duniya se is pahad ko sar karne aate hain. it's almost cliche to wonder what draws them to it. mujhe to unchai se hamesha se dar lagta hai, but even I can feel the draw. I never met Muhammad Ali Satpara. और जिन लोगों के साथ मैं आया हूँ वो उनको जानते भी थे, उनसे प्यार भी करते थे और उनको याद भी कर रहे हैं। आई सपोज आई कैन से दैट ही वॉज सॉर्ट ऑफ अ हीरो टू मी। लेकिन ये अजीब सी कैफियत है कि उनको जानता तो नहीं था लेकिन शायद फिर भी याद कर रहा हूँ। यू कैन ऑलमोस्ट फील हिज प्रेजेंस इन द कलेक्टिव रिमेम्बरेंस विद इन दीज पीपल हु वर क्लोज टू हिम। शायद एक खुदगर्ज सा ख्याल है ये चाहना कि मैं भी इन यादों में शरीक हो सकता। बट मे बी देयर इज अ लेसन हियर फॉर मी। एहसान मैन न्यू हिम, ही लव्ड हिम एंड ही मिसेज हिम। और वो इस कहानी का ये आखिरी हिस्सा मुझसे बहुत बेहतर सुनाते हैं। इट्स इन मूरोज ब्लॉग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बता।